हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि है एक्सरसाइज 12.2 से हीरोन्स फार्मूला, जो चैप्टर 12 है। तो इसमें हमें ये जो फिगर है राधा ने बनाई है, और ये इसने प्लेन एरोप्लेन बनाया है कलर्ड पेपर से। हमें पता करना है ये जो कलर्ड पेपर से बनाने में कितना एरिया लगा है, कलर्ड पेपर का एरिया कितना होगा। तो जाहिर सी बात है जो एरोप्लेन बनाया है इसी के बराबर होगा। अब इसमें सारी डायमेंशंस हमें गिवन दिया हुआ है। देखो ये जो है आइसोसेलस ट्राइंगल है जो कि 5 सेंटीमीटर है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 1.5 और 6 सेंटीमीटर इसकी बेस और हाइट दी हुई है, और ये एक बीच में रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ है 6.5 और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर, और सबसे नीचे हमें एक ट्रपेजियम बनाया हुआ है। तो ट्रपेजियम के अंदर ये हमें दो नॉन पैरेलल साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर है, और ये 1 सेंटीमीटर है जो ये वाली पैरेलल साइड है, और दूसरी वाली जो है इसके जस्ट ऑपोजिट में जो पैरेलल साइड है वो 2 सेंटीमीटर है। हमें इसका अलग अलग जितने भी हैं टोटल एरिया बताना है। तो इसका एरिया हीरोन्स फार्मूला से निकल के आएगा, ठीक है, इस वाले का। इसका एरिया निकल के आएगा हाफ बेस इंटू हाइट से, और ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ ये रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। मसला किस में आएगा? मसला आएगा इसके अंदर। तो इसको मैं बहुत ही ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वाले ट्रायंगल से, जो है आइसोसेलस ट्रायंगल, जिसकी डायमेंशन हमें गिवन है, तीनों डायमेंशन गिवन है। तो ये मैं हीरोन्स फार्मूला से पता कर सकता हूँ। हीरोन्स फार्मूला से क्या है, एस ए बी सी तीन चारों वैल्यूज़ चाहिए होती है हीरोन्स फार्मूला में एरिया और ट्राई निकालने के लिए, जिसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाम दे देता हूँ मैं इसको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ये मैंने सब जो अलग अलग डायमेंशन है सबके नाम दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोबारा दे दिया है, ठीक है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम किसकी बात कर रहे हैं, ए बी सी की बात कर रहे हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया निकल के आएगा वो हीरोन्स फार्मूला से निकल के आएगा, जो कि होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। हमें एस पता करना है सबसे पहले। तो ए की वैल्यू तो ये है, ए और बी दोनों बराबर हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू देखो यहाँ पे गिवन है 1 सेंटीमीटर है ये सी, जो कि बी सी के बराबर है, कितना है 1 सेंटीमीटर। तो हमें ए पता एस पता चल चुका है, एस जो होता है वो होता है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू 5 है, और सी की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई टू, तो ये आ जाएगा 11/2, ठीक है। तो एस जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ए बी सी सब की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूंगा इस फॉर्मूले के अंदर। तो चलो पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है, एस की वैल्यू अभी हमने निकाली 5.5 है, और 5.5 माइनस ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू भी 5 है, एंड 5.5 माइनस सी की वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है। ये सारी वैल्यू रूट के अंदर है। तो 5.5 माइनस 5 ये हो जाएगा 0.5, इस तरीके से यहाँ पे भी 0.5, यहाँ बचेगा 4.5, ठीक है। ये सारी वैल्यू रूट के अंदर है। अब माइनस कर लिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 55 को लिख सकता हूँ 11 इंटू 0.5, ठीक है, और ये 0.5 एज इट इज़ रहेंगे। ये जो 4.5 है, 4.5 को मैं 9 इंटू 0.5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 9 5 45 होता है, एक के बाद डेसिमल लग जाएगा, दोबारा 4.5 आ जाएगा। तो अब इतना करने के बाद मुझे पता है रूट के अंदर से पेयर निकालने होते हैं, तो देखो इनका पेयर है और 0.5 का ही पेयर है, तो 0.5 0.5, यानी दो में से एक इसका और दो में से इन 0.5 का इसका। मुझे पता है रूट नाइन की वैल्यू जो होती है वो 3 के बराबर होती है, क्योंकि 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है। अब जिसकी वैल्यू नहीं है वो है 11, इसका पेयर नहीं है। तो ये फाइनली हमारे पास आ गया 5 5 25 25, ये हो गया 0.75 इंटू रूट 11। मुझे क्या करना है, मुझे रूट 11 की वैल्यू पता करनी है। तो जैसा कि मैं पहली वीडियो जो मैं सॉल्व कर चुका हूँ अब तक 12.1 और सारी एग्जांपल्स जैसे पीछे जितने भी गुजर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 और ये तीसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ इस वक्त, तो उसमें मैंने बताया जो भी रूट की वैल्यू आई है,
तो मैं अब रूट यहाँ तक आप लिख लीजिए, अब मैं रूट पता करता हूँ रूट 11 की वैल्यू क्या होगी। तो मैं इतना इरेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे रूट की वैल्यू क्यों चाहिए, रूट 11 को मैं ऐड नहीं कर सकता ना, इरेशनल नंबर है, तो मुझे इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी वो पता करना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से सबको टोटल करना पड़ेगा, तो पेपर की जो एरिया है कलर्ड पेपर का, वही तो हमें पता करना है, जो इन सब के बराबर होगा, इसका इसके सब के एरिया के सम भी करना है, तो सम करने में मुझे रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट 11, देखो 11 को मैं 11.000 भी तो लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। हमेशा जो जीरो लेंगे वो पेयर में लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, तो हम यहाँ पे जो है स्क्वायर नंबर में हमेशा मल्टीप्लिकेशन के साथ यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे 3 3 9 होता है, ऐसे 4 4 16, तो 4 4 16 नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने 3 3 9 लिया है। उसके बाद क्या करते हैं, माइनस कर दीजिए, और इसके बाद ये जो इनमें से पेयर है जीरोस का, एक पेयर उतार लीजिए। इसके बाद क्या करना है, जो 3 यहाँ पे लिया था वो 3 इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर लेना है 6 के साथ, वही नंबर यहाँ पे लेना है, स्क्वायर नंबर लेना है। मल्टीप्लाई कैसे होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, मगर मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, 62 × 2 होगा, ना कि 32 होगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 4 124। तो ये तो छोटा नंबर लग रहा है मुझे, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और 3 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो अब मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे 3 ले लिया तो 63 हो गया, तो 63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 33 से। तो 63 को मल्टीप्लाई करने पे पता चलेगा मुझे 189 आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, 189 लिख लिया मैंने, और यहाँ पे माइनस करने पे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू जो है 11 हो गई। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, जो बचे हुए जीरोस थे पेयर में वो यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद देखो 3 जो है यहाँ पे ऐड होगा, जैसे शुरू में ऐड किया था, उसके बाद ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 66। अब जो नंबर यहाँ लूँगा वही नंबर यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, ठीक है। इस नंबर को लेने के बाद यहाँ पे जैसे अगर मैं 1 लेता हूँ, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे लेगी, तो अगर 1 लूँगा तो ये हो जाएगा 661, मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी, 661 × 1 होगी, ना कि 331 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मैं 661 तो बड़ा छोटा है इससे, तो अब मैं थोड़ा सा वैल्यू उसकी चेंज करता हूँ और दूसरी वैल्यू लेने की कोशिश करता हूँ। तो अब मैं अगर ले लूँ 2, तो ये हो जाएगा 62, मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा 2 से किया जाएगा, तो 2 2 4 होता है, 6 2 12, और यहाँ पे 1 करे करेंगे, तो भाई ये नंबर तो 1100 से बहुत ज़्यादा है, 1324 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी पुरानी वैल्यू रखूँगा, यानी 1 ही रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 661। उसके बाद माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 439, ठीक है। इसके आगे नहीं जाना है, ठीक है, बस यहाँ मैक्सिमम हम डेसिमल के 2 प्लेसेस तक जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। अब मुझे वैल्यू पता चल गई, भाई जो जवाब होता है हमेशा ऊपर लिखा हुआ होता है वही जवाब होता है, तो रूट 11.00 का जो आंसर है वो 331 यहाँ पे अप्रोक्सीमेट में मैंने ले लिया। अब देखो यहाँ पे 4 के बाद डेसिमल है, रूट में जब 4 के बाद डेसिमल होता है, तो 2 के बाद हम उसके रिजल्ट में जवाब डेसिमल लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे रूट 11 की वैल्यू पता चल गई 3.31, यानी मैं एरिया जो है ABC का वो पता चल गया 0.75 रूट 11, ठीक है, यानी 0.75 जो है 3.31 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3.31 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 0.7 से, तो ये हो जाएगा 15 और 16 7 21 23 5 12 और ये हो जाएगा 8 4, यानी ये आ रहा है 2 4 8 2 5। देखो यहाँ पे 1 के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल है, टोटल 3 के बाद डेसिमल लगेगा, ठीक है। सही लगा रहा हूँ मैं, ना सॉरी, यहाँ पे भी 2 के बाद है, यहाँ पे भी 2 के बाद है, तो डेसिमल जो है 4 के बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो इसको मैं अप्रोक्स यहीं पर कर लेता हूँ, अप टू 2 डेसिमल तक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 2.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मेरा एरिया जो है ABC का पता चल गया, ठीक है। अब मुझे बाकी के एरिया भी पता करना है,
यहाँ पे मैं फाइनली लिख लेता हूँ एरिया ए बी सी का 2.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मैं एरिया पता करूँगा। देखो ये जो दो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ही आइडेंटिकल है, तो जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा। आइडेंटिकल इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि डायमेंशन दोनों की सेम है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल सी आई एल, ठीक है, सी आई एल, जो बराबर हो गया ट्राइंगल एरिया का जे बी के, ठीक है, जे बी के इसका नाम दिया है मैंने। तो ये जो है ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मल लग जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट का। तो ये हो जाएगा बेस, जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे बेस जो है 1.5 है और हाइट है 6, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा 4.5, ठीक है। तो दोनों का एरिया हमें पता चल गया कितना, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ से इसको रब करके बाकी के एरियाज पता करूँगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बचा है, ये बचा है मेरा रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है, ठीक है। तो लेंथ हो गई 6.5, अब बेस देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात वही रहेगा ना। और इसके बाद अब हमारा एरिया बचता है ये ट्रपेजियम का। तो ट्रपेजियम का एरिया अब मैं क्या करूँगा, ये चीज़ें यहाँ पर रहने देता हूँ मैं, और इसके अलावा जो भी मैं निकाल चुका हूँ उनको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो इस ट्रपेजियम के अंदर, यानी इसका नाम है ई डी जी ए, इसका नाम दिया है मैंने। अब मैं इस ट्रपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। पर इसके अंदर क्या है, हाइट तो हमें गिविन ही नहीं दी हुई ना, तो हाइट गिविन नहीं दी हुई है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसके अंदर हाइट निकालने के लिए, क्योंकि एरिया जो होता है ट्रपेजियम का उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल, पैरेलल साइड तो हमें 1 और 2 तो दिया हुआ है, मगर हमें हाइट नहीं दी हुई है, इसलिए हम ये अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हाइट पता करनी पड़ेगी। अगर मैं तब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अब यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जो है एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि पैरेलल होगा। इस लाइन का नाम दे देता हूँ मैं एम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंस्ट्रक्शन में किसके लिए, ट्रेपेजियम के लिए, लेट डी एम पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। तो अब पैरेलल ले लिया, देखो ये जो है एक पैरेलोग्राम हो गया आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जो ई डी है एफ जी के पैरेलल है। तो एफ एम क्या है, इसी पैरेलल साइड का हिस्सा है, कि क्योंकि पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन पैरेलल होती है, इस वजह से ये हो गया पैरेललोग्राम। क्योंकि मैंने इसको इसके पैरेलल किया है, तो ऑपोजिट साइड्स, जिस क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है वो पैरेललोग्राम होता है। इस वजह से पैरेललोग्राम की खासियत यह है कि ऑपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं। इसका मतलब अगर ई डी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है तो एफ एम की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी और डी एम की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारी साइडें इक्वल हैं, ठीक है, और जब सारी साइडें इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में तो उसको रोमबस कहते हैं। और एरिया जो होता है पैरेललोग्राम का वो होता है बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्राइंगल है बचा हुआ, देखो ये पूरा कितना था, 2 सेंटीमीटर था। अब 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर जो कि एफ एम था वो माइनस करेंगे, तो एम जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर आ जाएगी, है ना। तो अब यहाँ देखें, अगर हम इस ट्राइंगल को डी एम जी, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो अब मैं क्या करूँगा, जो मुझे हाइट मिलेगी वो इसी ट्राइंगल्स के ज़रिए से मिलेगी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के ज़रिए से मिलेगी जो हाइट, तो मुझे पता है एरिया जो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, मुझे एरिया पता है जो कि फॉर्मूले से होता है √3/4 × साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो साइड क्या है, देखो सारी साइडें जो है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो √3 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, तो 1.73 होती है √3 की वैल्यू, और साइड कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1.73 / 4,
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल किसी भी ट्राइंगल में मैं जो है दो तरीके से, अगर मान लूँ मैं यहाँ पे हाइट ले लूँ कोई, मैंने मान लिया डी एन हाइट मान ली मैंने, तो अब क्या हो जाएगा, यही एरिया जो है हाफ बेस इंटू हाइट के बराबर भी तो निकाल सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं हाइट मान चुका हूँ। तो अब इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ मैं, ठीक है, बाद में इसको पुट करूँगा। तो यहाँ देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट के बराबर भी होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है बेस, अब इस ट्राइंगल में जहाँ पर हाइट होती है वही तो बेस बेस होता है, और बेस क्या है एम जी 1 सेंटीमीटर था, और हाइट कितनी है मालूम नहीं, और यही एरिया जो ट्राइंगल का है वो तो निकाल चुके हैं हम, जो कि है 1.73 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो 1 से मल्टीप्लाई होके तो यहाँ पे बचेगा 1 1 ज़ा 1 इंटू h, तो h हो जाएगा डिवाइड में जो है 2, वो हो जाएगा 1.73 डिवाइड बाई 4। अब ये जो 2 है ये इधर जाएगा ट्रांसपोज होकर, तो इधर जाकर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो यहाँ से मैं हटाऊँगा नेक्स्ट लाइन में, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो हाइट आई है फाइनली, ठीक है, इसको मैं रब कर लेता हूँ, तो हाइट आ गई ट्राइंगल की कितनी, 1.73 डिवाइड बाई 2, ठीक है, फाइनली ये हाइट आ गई। तो अब मैं इस पूरे ट्रापेजियम का एरिया निकाल सकता हूँ। तो इस ट्रापेजियम में क्या करूँ, इस ट्रापेजियम का एरिया जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल तो निकल चुका है, अगर मैं पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट कर दूँ और दोनों का ऐड कर दूँ तब भी निकाल सकता हूँ, और मैं फॉर्मूले के अंदर पुट करके भी निकाल सकता हूँ। तो फाइनली मैं क्या करूँगा, ट्रेपेजियम का जो एरिया मुझे मालूम है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, इसके बराबर ही तो होता है। अब मैं देखो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, ये है और 2 है, यानी 1 प्लस 2, ये तो सम ऑफ पैरेलल साइड में आ जाएगी, और हाइट मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है, तो ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 1 प्लस 2 इंटू एच, कितना आ गया था हमारा 1.73 ट्राइंगल के जरिए से आ गया था। अब देखो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 1.73, और 4 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बाई 2, यानी 3 बाई 2 को मैं पहले डिवाइड करके डेसिमल में ले आता हूँ, ठीक है, फाइनली उसके बाद ऐड कर लूँगा। तो ये छोटा है तो यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट की वजह से, यहाँ पर अगर डेसिमल आ जाएगा, 4 7 जो होता है 28, 2 एंड 4 5 जो होता है 20, ठीक है। तो ये आ गया 3 बाई 4 किसके बराबर है, 0.75 इंटू 1.73, ठीक है। अब मैं 0.75 को 1.73 से मल्टीप्लीकेशन में ले आता हूँ, ठीक है, ये आ गया लगभग इसके मल्टीप्लीकेशन से। देखो यहाँ पे क्या है, 2 के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे टोटल कितने के बाद आएगा, 4 के बाद डेसिमल आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो 1.29 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख देता हूँ, जो कि आ गया था 1.29, ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो एरिया था कलर्ड पेपर का, एरिया ऑफ कलर्ड पेपर वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ एबीसी के बराबर होगा, प्लस एरिया CIL के बराबर होगा, प्लस एरिया JBK के बराबर होगा, प्लस एरिया रेक्टेंगल के बराबर होगा, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर होगा। तो इन सब को सम कर देंगे तो हमें फाइनली कलर्ड पेपर का जो एरिया है वो पता चल जाएगा। तो एरिया ट्राइंगल का हमने निकाला था 2.48, और इसका 4.5 था एरिया, जो एरिया इसका वही एरिया इसका है, यानी दोबारा अगेन मैं ऐड कर दूंगा, और एरिया रेक्टेंगल का 6.5 आ चुका है, और इसका एरिया हमने निकाल लिया है 1.29, ठीक है। जब इन सब को ऐड करेंगे 1.29, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.48, अब 4.5 4.5 ये होता है 9.0, और देखो डेसिमल ये ऐड करना है कि डेसिमल को डेसिमल से करना है, ठीक है, फिर अगेन 6.5 हो गया, फिर 1.29 हो गया, तो इन सबको ऐड कर देते हैं 9 प्लस 8,
17, 1 कैरी, ये तो 0 है, ठीक है, 5 प्लस 5 2, 10 पर 12, तो इसका आ रहा है हमारे पास जवाब 19.27 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये क्या है अप्रॉक्स में, अगर हम वन डेसिमल तक करें ना इसका जवाब, यानी यहाँ पे मैं फाइनली इसका जवाब लिखूँगा, अब अगर मैं इसको वन डिजिट तक लिखना चाहूँ ना, वन यूनिट प्लेस तक, तो अब देखो ये सेवन जो है अप्रॉक्स करना चाहता हूँ मैं, सेवन को हटाने के लिए, सेवन जो है फाइव से ग्रेटर है, तो इसके जस्ट बगल में जो नंबर होगा वो वन से इंक्रीज कर जाएगा, तो फाइनली ये हो जाएगा 19.3 स्क्वायर सेंटीमीटर जो पूरा एरिया है, ठीक है, कलर्ड पेपर का। सो ये जवाब था पूरा, और इसमें एक भी स्टेप अगर समझ में नहीं आया था तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, ठीक है, और वहीं से मैं देख पाऊँगा और फिर आपको फिर समझा पाऊँगा, ठीक है, फर्दर मैं इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगा कि क्या मैं कहाँ पर गलत हूँ और कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो ये आपके कमेंट से ही पता चलेगा मुझे।